राज्यसभा में 2 जुलाई के बाद से ही खाली पड़ी उपसभापति की सीट पर बीजेपी और विरोधी पार्टियों में जोर आजमाइश जारी है। उच्च सदन में न तो बीजेपी के पास बहुमत है और न ही कांग्रेस के पास। ऐसे में उपसभापति के चुनाव में भी देरी हो रही है। उधर मॉनसून सत्र भी खत्म होने वाला है, जिसे देखते हुए सरकार ने कहकशां परवीन का नाम आगे बढ़ाकर बड़ा दांव खेला है। इससे पहले इसी मुद्दे पर जुलाई में अरुण जेटली के घर पर बैठक भी हुई थी, जिसमें सहमति बनी थी कि एनडीए के किसी नेता का नाम उपसभापति उम्मीदवार के लिए आगे बढ़ाया जाए। इसी रणनीति के तहत माना जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश की पार्टी जेडीयू से सांसद कहकशां परवीन को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर ली है। गुरुवार को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहकशां परवीन को प्रश्नकाल के दौरान सदन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसका सभी सदस्यों ने मेंजे थपथपाकर स्वागत किया था। पीठासीन अधिकारियों के पैनल में शामिल कहकशां परवीन को जिस तरह से सभापति ने जिम्मेदारी सौंपी, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी कहकशां के नाम पर ही सभी दलों की सहमति बनाने की कोशिश करेगी। इससे बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती को जहां और मजबूती मिलेगी, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस समेत विरोधी दल को भी कहकशां का विरोध करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी पहले से ही आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस की वजह से 3 तलाक बिल राज्यसभा में रुक गया। वहीं पीएम मोदी ने भी सवाल उठाया था कि कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं के साथ क्यों नहीं खड़ी होती है। कहकशां परवीन की बात करें तो रांची में 1 जनवरी 1979 को पैदा हुई कहकशां ने रांची से ही स्नातक किया है। वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से सांसद हैं। बिहार से राज्यसभा के लिए 2014 में चुनी गई कहकशां परवीन को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने 27 जुलाई 2018 को पीठासीन अधिकारियों के पैनल में शामिल किया था।